सो हे गाइस, वेलकम माय चैनल एंड वेलकम टू अंदर डिवाइस। सो गाइस, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक नया सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में, सॉरी लाइव मार्केट तो नहीं है, इसी बने बनाए मार्केट में आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को फ्री में जो है वीडियो देने वाला हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसे वीडियो में आप लोगों को मैं प्रूफ करके दूंगा, अगर मार्केट में कुछ काम करता है तो वो होता है कि सिर्फ और सिर्फ एसएल हंटिंग, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग ही मार्केट में काम करता है। मार्केट में ये जो चार्ट पैटर्न्स वगैरह होता है, ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न होता है, ये जो सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन होता है, ये सब कुछ मार्केट में काम ही नहीं करता। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग प्रूफ करके दूंगा, एकदम आप लोग को लाइव प्रूफ करके दूंगा कि अगर मार्केट में यहाँ से नीचे जा रहा है तो मार्केट यहाँ से क्यों नीचे जा रहा है, मार्केट में जो मूव होता है हर एक मूव का पीछे क्या लॉजिक होता है, वो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर मैं और भी ज्यादा वीडियो बनाऊं, ओके, और इस सीरीज को मैं और भी ज्यादा कंटिन्यू रखूं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो। ओके, तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। क्यों? क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने क्यों ओपन किया, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोग सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, और लोग ये भी मानते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रैप नहीं होता, स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होता। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लो ये जो ट्रेडिंग होता है, यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर 1 बायर इक्वल टू होता है 1 सेलर, यानी कि अगर इस पॉइंट पे किसी ने बाय किया तो यहाँ पे किसी ना किसी ने तो सेल किया, क्योंकि यहाँ पे 1 बायर इक्वल टू 1 सेलर। जब तक यहाँ पे किसी ने बाय नहीं, सॉरी सेल नहीं कर पाएगा, ठीक उसी प्रकार से तब तक यहाँ पे कोई बाय नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार से जब तक यहाँ पे किसी ने सेल नहीं किया, तब तक यहाँ पे किसी ने बाय नहीं कर पाएगा। तो हर एक पॉइंट में, हर एक कैंडल में किसी ने बाय किया तो किसी ने सेल किया, उसीलिए वो कैंडल मूव हो रहा है। ओके, तो मान लो मार्केट में दो तरीके का प्लेयर होता है, एक होता है रिटेलर। ओके, आप लोग को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, आप लोग जो है थोड़ा सा रुक जाओ। एक होता है रिटेलर, आप लोग को अच्छे से समझना मेरा काम है, आप लोग देख सकते हो। एक होता है रिटेलर और एक होता है स्मार्ट मनी, जिसको हम लोग ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ओके, तो जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, ऑप्शन बाइंग करते हैं, और जो स्मार्ट मनी यानी कि ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, ऑप्शन सेल करते हैं। रिटेलर के पास ज्यादा कैपिटल नहीं होता, पर जो स्मार्ट मनी होता है उसके पास करोड़ों रुपए होता है, हजारों करोड़ों लाखों रुपए होता है, ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी होता है। तो पहले मैंने आप लोग को बोला कि अगर मान लो ये जो एक सपोर्ट है, ओके, ये आप लोग देख सकते हो, ये वाला क्या है, 43,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और ये जो है क्या है, एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो मार्केट में 100% लोग यहाँ पे जो है एक साथ यहाँ पे बाय नहीं कर पाएगा, यहाँ पे एक साथ बाय नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बोला, अगर किसी ना किसी ने यहाँ पे बाय कर रहा है, अगर सब लोग एक साथ यहाँ पे बाय करेगा तो मार्केट में यहाँ से ऊपर ही नहीं जाएगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा। किसी ना अगर यहाँ पे सेल करेगा तो ही यहाँ पे कोई किसी ना किसी ने बाय कर पाएगा। आप अगर किसी भी दुकान पे जाके आप बोलते हो कि मेरे को ये प्रोडक्ट दे दो, तो क्या वो प्रोडक्ट आपको दे सकता है? अगर वो सेलर आपको बोलेगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट मैं सेल नहीं करूंगा, तो आप भी तो वो प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाओगे ना। तो ठीक इसी प्रकार से ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग काम करता है, और जो बड़े प्लेयर होता है उसको, उसके पास वो लोग करोड़ों रुपए से जो है ट्रेड करते हैं, हजारों करोड़ों 100 करोड़ से मान लो ट्रेड करता है, तो वो जब ट्रेड करेगा 100 करोड़ से, तो उसका जो लॉस एंड प्रॉफिट वो भी करोड़ों में ही शो करेगा। तो जब उसको, जब वो जो ऑपरेटर होता है, वो जब मार्केट में 100 करोड़ लगा रहा है, तो वो भी तो चाहेगा कि मैं इस 100 करोड़ को जो है 150 करोड़ बनाऊं। तो वो अगर प्रॉफिट करना चाहेगा तो किसी को लॉस तो करना पड़ेगा, तो वो बड़े प्लेयर मजबूरी में आके जो है लॉस कर जो है लोगों को ट्रैप करता है। ओके, और अगर आप भी प्रॉफिट करना चाहते हो तो आपको रिटेलर की तरह सोचना छोड़ना पड़ेगा, आपको उसी जो बड़े प्लेयर जो चीज कर रहा है आपको उसके साथ जो है जाना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग, बहुत लोग अलग अलग नाम से इसको पहचानते हैं। ओके, तो हम लोग अभी मार्केट में आ चुके हैं, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि पहले आपको बताऊंगा कि मार्केट में रेजिस्टेंस में लोग क्या करते हैं। आप लोग बताओ, ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, ये एक रेजिस्टेंस है। जब भी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे कौन आता है, बायर आता है। ओके, आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हो। मान लो आप एक रिटेलर, ऑब्वियसली हम सभी लोग एक रिटेलर है, पर जो लोग लॉस करते हैं वो लोग है रिटेलर, और जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो होता है स्मार्ट रिटेलर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब कौन सा नंबर, यहाँ पे है 43,500 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो रेजिस्टेंस पे आके मार्केट क्या करता है, सब लोग सेल करते हैं,
पर यहाँ पे मार्केट का जो सिचुएशन है वो क्या है, मार्केट ने रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे सभी ने बुक में पढ़ा होगा, किसी का कोर्स में पढ़ा होगा, किसी का यूट्यूब वीडियो के अंदर पढ़ा होगा, किसी भी रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो वहां पे बाय करो। हर एक रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम ए रेजिस्टेंस। तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे जो है बायर एक्टिवेट हो रहा है। तो जगह अगर यहाँ पे सब लोग बाय करेंगे, यहाँ पे भर भर के यहाँ पे लोग जो है क्या करेगा, बाय करेगा। तो अगर यहाँ पे सब लोग बाय करेगा ओके, तो यहाँ से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिएगा ना। अब खुद मुझे बताओ, जो लोग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे बाय करता है वो लोग यहाँ पे बाय किया, जो लोग थोड़ा सा सेफ प्ले करता है यानी कि रिटेस्ट पे बाय करता है वो लोग क्या किया, वो लोग यहाँ पे जो है आप लोग को पता है वो लोग क्या किया, रिटेस्ट पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिटेस्ट पे बाय किया। तो यहाँ पे सब लोग बाई कर रहा है तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट नीचे क्यों गया। तो इसी को तो बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ये जो मूव आया ये पूरा मूव स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से ही तो आया। क्यों, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से लेकर कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। यहाँ से ऑलरेडी जो है बायर का स्टॉप लॉस है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो किसी ना किसी ने तो यहाँ पे बाय किया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी अवेलेबल है। ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं था, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है बायर एक्टिवेट हो रहा था। तो जब यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहा है तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो नीचे रहेगा, तो मार्केट उनको आप लोग देख सकते हो, मार्केट उनको हंट करने के लिए कितना अच्छा खासा जो है फॉल निकाला। अगर मार्केट में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये चीज मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर भी बोला था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाहता है तो अगर तो मार्केट को क्या करने का पड़ेगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाह रहेगा तो मार्केट हर एक पुल बैक में सेलर को इन्वाइट करेगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहेगा तो मार्केट हर एक पुल बैक पे क्या करेगा, बायर को इन्वाइट करेगा। जैसा ये जो पूरा ट्रेंड था ये डाउन ट्रेंड था, तो मार्केट ने पहले पुल बैक में भी बायर को इन्वाइट किया, सेकेंड पुल बैक में भी यहाँ पे बायर को इन्वाइट किया। क्यों, फिर से साइकोलॉजिकल नंबर पे आके मार्केट ने क्या किया, मार्केट दिखा रहा है कि यहाँ पे मैं ऊपर जाने वाला हूँ। यहाँ पे पिछली बार भी यहाँ से ऊपर गया था तो मार्केट दिखा रहा है कि यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब सभी लोग यहाँ पे बाई करेगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट फॉल कर दिया। तो इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। और आप अगर अभी भी आप लोग चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, इंडिकेटर के पीछे पागल हो, आप लोग वो चीजें सीख रहे हो, तो आप लोग जो है छोड़ दो स्टॉप लॉस हंटिंग सीखो। अभी आप लोगों को मैं 5 मिनट का जो है आप लोग को एग्जाम्पल दिया ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर था, रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सब लोगों ने बाय किया, मार्केट नीचे गिर गया। फिर से यहाँ पे सपोर्ट था, सब लोगों ने यहाँ पे बाय किया, मार्केट नीचे गिर गया। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों को समझा दिया। अभी मैंने आप लोगों को 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा। क्यों, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्यों समझाऊंगा, क्योंकि देखो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है उसको लोग भगवान मानते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर किसी भी सपोर्ट के ऊपर या फिर किसी भी रेजिस्टेंस के पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दिया तो वो सपोर्ट कम करेगा, तो वो रेजिस्टेंस कम करेगा। ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा लोग मानते हैं। और जब ऐसा लोग मानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रैप करने के लिए उसका उल्टा चाल देंगे ओके। तो मैंने क्या किया आप लोग देख सकते हो, मैंने 15 मिनट का यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको जो है एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं चार्ट पैटर्न्स का भी एग्जाम्पल दूंगा ओके। तो वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, छोटी वीडियो रखूंगा जिससे आप लोगों को आसानी होगा देखने में, समझने में। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रेडर्स यहाँ पे क्या है, ये है 42,500 का एक जो क्या है यहाँ पे एक जो सपोर्ट है आप लोग देख सकते हो। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से आया एंड साइकोलॉजिकल जो नंबर होता है उसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे आप इस चीज को अच्छे से समझो, मार्केट में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोग अच्छे से समझो। अगर अगर किसी भी रेजिस्टेंस पे आके, या मान लो ये एक सपोर्ट है, अगर मार्केट को इस सपोर्ट से ऊपर जाना होगा तो मार्केट आपको टाइम नहीं देगा, मार्केट आपको कभी भी मौका नहीं देगा कि आप आके मेरे को बाय करो मैं ऊपर जाने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चला गया, क्या यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट किया, नहीं किया। क्या यहाँ पे मार्केट आप लोगों को बुलाया कि यहाँ पे मैंने बाय करो, क्योंकि देखो अगर कहाँ पे लोग सबसे ज्यादा इन्वाइटेड होते हैं, किसी भी लेवल पे आके अगर मार्केट कॉन्सोलिडेट करता है तभी सबसे ज्यादा रिटेलर एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट सीधा ऊपर, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सीधा जो है ऊपर भागने चला। क्या यहाँ पे आपको मौका मौका दिया मार्केट ने कि यहाँ पे मैं ऊपर जाऊंगा आप मुझे बाय करो, नहीं मौका दिया। तो उसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, मार्केट अगर
असली में ऊपर जाएगा तो आपको वो टाइम नहीं देगा, वो आपको एंट्री करने का मौका नहीं देगा, वो सीधा ऊपर चला जाएगा, उसमें आप एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट था 42,500 जो सपोर्ट था, सपोर्ट पे आके मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक किया। तो यहाँ पे जब भी मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, यहाँ पे जो सेलर एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल का भी मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया, आप लोग समझ रहे हो। तो यहाँ पे भर भर के लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम भी हाई था। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो कैंडल आप लोग देख सकते हो जिसने ब्रेक किया, इसका वॉल्यूम भी हाई था, यानी कि भर भर के यहाँ पे लोगों के पास कंफर्मेशन था कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का कैंडल साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट था उसका ब्रेक डाउन कर दिया, वॉल्यूम भी हाई है, यानी कि यहाँ पे पूरा कंफर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो मार्केट ने उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, एंड उसके बाद मार्केट ने अपना रैली को कंटिन्यू कर, ये हो गया सपोर्ट की बात। अभी आप लोगों में क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल दूंगा कि रेजिस्टेंस पे कैसे काम किया जाता है। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, ये है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से देखो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ से ओपन होकर क्या किया, ये साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक किया, ओके, एंड फिर से रिटेस्ट भी किया यहाँ पे। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ने क्या किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो कैंडल होता है उसने किसी भी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे फिर से बायर आएंगे, बायर आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पे सब लोग बाई करेंगे, इस लेवल पे सब लोग यहाँ पे क्या करेगा, बाई करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, वो भी 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 100% करेक्ट। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम भी अगर देखोगे तो वॉल्यूम भी हाई था, तो 100% करेक्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आप लोग के सामने ही है। तो क्या यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि रेजिस्टेंस काम करता है, सपोर्ट काम करता है? ऑब्वियसली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम करता है सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होने के लिए ही काम करता है। किसी भी लेवल से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, आप लोगों को मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोग अच्छे से सुनना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से हर एक ग्रीन लाइन सॉरी सपोर्ट नहीं होता। अगर किसी भी सपोर्ट से या फिर किसी भी पॉइंट से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट जब भी वहां पे आएगा मार्केट वहां से ऊपर चलेगा, मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करेगा उसके बाद ही ऊपर जाएगा। मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग ही काम करता है, मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग के सिवा और कुछ नहीं काम करता। तो आज इस पूरी वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया कि देखो, मैंने आप लोगों को 5 मिनट का भी आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल दिया और 15 मिनट का भी एग्जाम्पल दिया। क्यों 5 मिनट और 15 मिनट का दिया, क्योंकि 5 मिनट और 15 मिनट का जो कैंडल होता है उनको लोग भगवान मानते हैं कि 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर किसी पे कैंडल क्लोज हो गया तो मार्केट वहां से 100% गारंटी है कि मार्केट वहां से ऊपर या फिर वहां से नीचे जाएगा। इसीलिए मैंने आप लोग को 5 मिनट और 15 मिनट का आप लोगों को मैंने कैंडल स्टिक के अंदर आप लोग को एनालिसिस करके दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 1 मिनट 3 मिनट ओके 1 घंटा 1 दिन के ऊपर भी आप लोगों को मैं वीडियो बनाऊं तो मैं बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो मैं बना दूंगा, तो इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। ओके ऑलरेडी 10 मिनट का जो है वीडियो हो चुका है। तो आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग चाहते हो कि इस सीरीज को इस टॉपिक को मैं और भी ज्यादा आगे कंटिन्यू रखूं, आज तो सिर्फ आप लोगों को मैंने वीडियो के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप लोगों को एग्जांपल दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर एक पैटर्न एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न किसी भी फॉलिंग वेज यहाँ पे जो किसी भी राइजिंग वेज फॉलिंग वेज किसी भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न में कैसे ट्रैप होता है, कैसे ट्रेंड लाइन पे बैग जो है यहाँ पे ट्रैप होता है, हम लोग सपोर्ट पे आके कैसे ट्रेड करें, या फिर आपको पूरा स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट सीखना है, इस सीरीज को आपको अगर मैं और भी आगे लेना लेके जाना चाहता हूँ, तो आप लोग प्लीज कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। तो आप लोगों के लिए मैं और भी ज्यादा मोटिवेट होकर आप लोगों को वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करना, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियो आपका। ओके तो आप लोग अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और गाइस एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मंडे का दिन यानी कि कल सोमवार आपको मार्केट में किस तरीके से काम करना पड़ेगा उसके लिए भी जो है मैंने प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो निकाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लेना, जिससे आपको मंडे को दिन आपको किस तरीके से ट्रेड करना होगा उसका जो है अच्छा खासा जो है आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। ओके तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।